अच्छा जी भाई, क्या हाल है भैया? अस्सलाम वालेकुम भाई, आ गए हम वापस से सर एक सेकंड वीडियो लेके आपके लिए। और ज़रा हम आपको ज़रा आगे समझा दें कि भाई ये है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2। सही भाई, ये है बेटा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2। ठीक है बेटा, इसके न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। अगर कोई सवाल समझ नहीं आ रहा भाई, कोई मसला है ज़िंदगी में, कोई मसला है भाई ज़िंदगी में, कोई भी मसला है बेटा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर बेटा डिस्क्रिप्शन में है बेटा। ऑलमोस्ट बेटा से क्या कहते हैं, हर बच्चे के बेटा सवाल का जवाब देता हूँ मैं हर बच्चे के बेटा सवाल का जवाब देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता कि भाई रियान भाई सवाल का जवाब नहीं देता। भाई मैसेज करना है, बोल रहे हैं रियान भाई ये मसला है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, सब कुछ आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, सब कुछ समझा दूँगा। सवाल लिखना सिखा दूँगा भाई, चीटिंग करना भी सिखा देंगे यार, और क्या चाहिए ये बोर्ड में। ठीक है सर जी, तो बेटा टेंशन की बात नहीं है, रियान भाई आप लोग के साथ हैं, और आप लोगों को बस पढ़ाई लिखाई में करना है, ध्यान लगाना है बेटा। जम के आतंक मचाओ, काटा मार दो किसी को, किसी को गाली बक दो, और पढ़ाई में लगा के करो। इसके अलावा जो कर रहे हो भाई ज़िंदगी में, कोई मसले वाली बात नहीं है। जम के आतंक मचाओ और मन लगा के पढ़ो, सही है, ये रूल है बेटा। बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस, एसिड बेस। सही है, ज़रा आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ज़रा आज हम क्या करेंगे इसको डिस्कस बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा तुम्हारे पास सेक्शन नंबर जो बी है, सेक्शन नंबर बी में बेटा ये चार पॉइंट्स हैं। सेक्शन बी में बेटा पहले चार पॉइंट्स करा दूँ, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल जो असल वाले हैं उस पर भी आ जाऊँगा। देखो बेटा, तुम्हारे पास सबसे पहला सवाल है बेटा, कह रहे क्लासीफाई करो मुझे इसको एसिड बेस और न्यूट्रल में। बेटा एसिड बेस और न्यूट्रल में तुम कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को एसिड, तुम्हें किसी भी चीज़ को बेस, या तुम्हें किसी चीज़ को न्यूट्रल, अगर तुम्हें इसमें क्लासीफाई करना है तो तुम्हें इसकी एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो क्या है बेटा? पीएच। तुम्हें इन सबकी क्या पता होनी चाहिए? पीएच। अगर तुम्हें इन सबकी पीएच नहीं पता, या तुम्हें पीएच नहीं पता सर, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम फिर फारिग हो ज़िंदगी में। फिर तुम सवाल हक क्या होगे, छोड़ क्या होगे, फारिग एग्जाम में, पेपर में, बोर्ड के पेपर में तुम हक क्या होगे फिर ये सवाल। अच्छा बेटा देखो, सवाल नंबर 1 तो बेटा सीख लो। सवाल नंबर 1 क्या लिखा है बेटा? एच पॉजिटिव आयन। क्या? एच पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, एच पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन आयन बेटा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन, डब्बा लगा हुआ है ना, डब्बा का मतलब है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, डब्बा बॉक्स बना हुआ ना, तो ये लगा हुआ बेटा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात हो रही है। कहीं भी लगा हुआ बेटा केमिस्ट्री में, क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन बेटा? ये मुझे इसने कॉन्सेंट्रेशन बता दी। अब मुझे क्या निकालना है? पी एच निकालना। मुझे क्या निकालना है बेटा? पी एच निकालना। बेटा सर पी एच का फॉर्मूला क्या है? सर पी एच का फॉर्मूला क्या है बेटा? पढ़ 100 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ बेटा तुम लोगों को क्लासेस में, एक दफ़ा बेटा वापस से पढ़ा रहा हूँ। लिखो बेटा पी एच, बाकी जो बच्चे यहाँ पे यूट्यूब में नए उनके लिए तो नहीं पाते। नेगेटिव लॉग ऑफ एस पॉजिटिव आइन सर, नेगेटिव लॉग ऑफ एस पॉजिटिव आइन। ठीक है बेटा, अब क्या रखूँगा? जो कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे गिवन है बेटा एस पॉजिटिव आइन की, उसकी जगह पर रख दूँगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁴। 1 × 10⁻⁴। सर आप क्या करें सर, तो कैलकुलेटर सर अलाउ ही नहीं है, आप क्या करें? फंस गए सर, इतनी हमें मैथ आती होती तो यहाँ पर होती नहीं, इतनी मैथ में आती होती तो यहाँ पर होती नहीं बेटा। देखो वन का, अब देखो बेटा तुम्हें अगर रट्टा मारना है डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते हो, सीखते हैं बेटा, सीख भी सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। देखो बेटा वन लिखा हुआ बेटा, लॉग वन क्या होता है कैलकुलेटर में रख के देख लो, लॉग वन क्या होता है? जीरो। लॉग वन क्या होता है? जीरो। और बेटा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटा ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर। बेटा मैंने एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ली ना, तो मेरे पास आंसर किसका है? पीएच आया है, पीएच आया है। अगर मैं ओएच नेगेटिव आयन की लेता तो मेरे पास पीओएच आती। अब बेटा पीएच फोर है, अब ज़रा सीख लो बेटा। बेटा पीएच अगर 1 से लेके बेटा तुम्हारे पास 6 तक है तो क्या होगा बेटा? एसिडिक। तो क्या होगा बेटा? एसिडिक। 7 पे क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। साथ साथ बोला करो बेटा, लाशें नहीं बनना, साथ साथ क्या करना है? न्यूट्रल। और बेटा 7 के बाद 14 तक क्या होगा बेटा? बेस। बोलो बेटा क्या होगा? बेस। साथ साथ बोलते रहना, वीडियो देख लो, साथ साथ बोलो भी, ठीक है? क्या होगा बेटा? बेस होगा। क्या होगा बेटा? बेस। तो पीएच कितनी आ गई उस्ताद? 4। तो बेटा 1 से लेके 6 के दरमियान है 4। जी सर, 1 से लेके 6 के दरमियान है। तो आंसर क्या आ गया बेटा पहले वाले का? सोल्यूशन इज एसिडिक। पहले वाले का आंसर क्या आ गया उस्ताद? सोल्यूशन इज एसिडिक। हो गया सर जी, बस ये वाली बात है यार। अब ज़रा बाकी की भी, सेकंड वाली वैल्यू सर, सेकंड वाली वैल्यू क्या है? सेकंड वाली वैल्यू भी कुछ ऐसी ही है, लिखा हुआ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻¹। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻¹। कर लेते हैं सर आपके लिए सॉल्व।
आपके लिए कर रहा हूँ बेटा, और किसी के लिए नहीं, बस आपके लिए जो देख रहे हैं ना बच्चा, बस उसके लिए। देखो नंबर टू क्या लिखा हुआ बेटा, हार्ड वायरिंग की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻¹¹। क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना, क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻¹¹। सही आ गया से बेटा, वही बेटा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और बेटा लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, तो बेटा pH कितनी आ जाएगी मेरे पास, pH कितनी आ रही बेटा मेरे पास 11 आंसर आ गया। pH का कितना आंसर आ गया मेरे पास 11, ये बड़ा बच्चे वाला आंसर है यार। अब सर ये एसिड के बेसिक है बेटा, 11 से बेटा भी सिखाया था बेटा, एसिड के बेसिक है अभी सिखाया था बेटा, कैसे सिखाया था बेटा, 7 से लेकर 14 के दरमियान आ रहा है, और 7 से लेकर 14 के दरमियान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेसिक 7 से लेकर 7 तो बेटा न्यूट्रल है, 8 से लेकर 14 के दरमियान, ये गलती हो गई, 7 तो न्यूट्रल है ना, 8 से लेकर 14 के दरमियान तो क्या आ रहा है बेटा ये तुम बता दोगे सर क्या क्या है ये, क्या बेटा ये बेसिक, बेसिक तुम्हारी तरह बेसिक आदमी हो तुम, बिल्कुल कोई तुम्हारे अंदर स्पाइसीनेस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सादा सादा आदमी हो, पसंद नहीं आते बेटा लोगों को सादा आदमी, ठीक है मेरी तरह, मेरी तरह बनो, गाली वाली बगो किसी को, किसी को चाटा मार दो, किसी का सर फाड़ दो, जिंदगी में बेटा ऐसे दिया जिया करो, सुकून से जिंदगी अगर जी ली तो फिर फायदे ही नहीं है, और मन लगा के पढ़ो, दो रूल बेटा जिंदगी के, जम के आतंक मचाओ और मन लगा के पढ़ो, सुन लो बेटा आज कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा, सिखा रहा हूँ बेटा ये, कोई नहीं सिखाएगा तुम लोगों की बात है, सुन लो टीचर बोलेंगे सुकून से बैठे रहो, सुकून से बैठने वाली जिंदगी नहीं है भाई। बेटा देखो तुम्हें क्या गिवन है, OH नेगेटिव आयन गिवन है, क्या गिवन है, OH नेगेटिव आयन क्या है बेटा, 1 × 10⁻¹⁹, 1 × 10⁻¹⁹ क्या −9, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सर किसकी, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 × 10, कितना गिवन है, कितना गिवन है सर, सर कितना गिवन है 1 × 10⁻¹¹ गिवन है बेटा। अगर OH है ना, अब देखो OH से तुम pH तो नहीं निकाल सकते, OH से तुम pH तो नहीं निकाल सकते, तो तुम्हें POH निकालना पड़ेगा, तुम क्या निकालोगे इससे POH, तो POH तो क्या बताओगे तुम, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन, OH नेगेटिव आइन बेटा। अच्छा जी बेटा देखो बेटा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग क्या आएगा बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सवाल किया था, बस थोड़ी सी क्या कहते हैं चेंजिंग है, क्या बेटा देखो नेगेटिव लॉग वैसे ही, चलिए OH की जगह क्या आ जाएगा 1 × 10⁻¹¹ बेटा, लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 0, पूरी वैल्यू 0, और माइनस से माइनस कैंसिल, 11 नीचे उतर गया बेटा, POH मेरे पास है 11। अब मैं गलत तो नहीं हूँ, अब देखो मैंने पहले बताया था बेटा, अगर तुम्हें अंदाज़ा लगाना है, अगर तुम्हें एसिडिक बेसिक बताना है तो तुम pH से बताओगे, POH से नहीं बताओगे, कैसे बताओगे, pH से बताओगे, POH से तुम नहीं बता सकते, ठीक है यही सिखाया था, हाँ सर यही सिखाया था आपने, तो सर POH से अब pH कैसे निकालें, POH से अब मैं pH कैसे निकालें, देखो बेटा इसके लिए तुम्हें एक और फॉर्मूला आना चाहिए, pH और POH का हमेशा जो टोटल सम, मतलब टोटल प्लस करोगे हमेशा कभी भी, तो कितने के बराबर होगा, 14 के बराबर होगा, कितने के बेटा 14 के बराबर। अब बेटा pH फाइंड करना है, pH क्या करना है, फाइंड करना है, POH कितना पता है बेटा मुझे, नेगेटिव POH मुझे पता है 11, POH कितना पता है मुझे 11, इसकी जगह आ गया 11 इज इक्वल टू 14, ठीक है तो ये 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ हो जाएगा माइनस, 11 यहाँ पे हो रहा है प्लस, वहाँ की वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो pH इज इक्वल टू 11 में से 14 निकाले कितने बचे 3, तो बेटा pH 3 आ गई, इसका मतलब क्या है, pH बेटा 1 से लेकर 6 तक के दरमियान आ रही है जी सर, तो क्या ये एसिडिक। अब बेटा इसका आखिरी वाला सवाल नहीं करूँगा मैं, क्यों वो बेटा आप खुद से करोगे, इसका आखिरी वाला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से होगा बच्चों वाला, बिल्कुल 2 रुपये वाला सवाल है, ये आप खुद से करोगे, सही है सर जी, ये आप खुद से करोगे, और अगर समझ नहीं आया, अगर आंसर सही नहीं आया तो मुझे मैसेज करोगे आप बेटा, नंबर नीचे लिखा होगा, ठीक है क्या बोल रहे हैं भाई, रेहान भाई ये समझा दें बस, बहुत है, आ जाओ बेटा आगे बढ़ो, बोल ऑन कलेश आगे आ जाओ, क्या बेटा POH निकालना, क्या निकालना है सवाल है बेटा, क्या सवाल है बेटा, सवाल है बेटा pH ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, भाई कह रहे हैं हमसे एक बेसिक सॉल्यूशन है बेटा, बेसिक मुझे कैसे पता चल गया, देखो NaOH लिखा हुआ बेटा, बेटा NaOH का अगर सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें क्या होगा, NaOH डिसोसिएट होगा, NaOH क्या हो रहा होगा डिसोसिएट बेटा, डिसोसिएट का मतलब होता है डिवाइड, टूटना, टूट रहा होगा बेटा, क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो NaOH बेटा ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा तुम्हारे पास,
एन ओ एच ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, और ओ एच नेगेटिव ये तुम्हारे पास बना रहा होगा, ऐसे ही है जी सर। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है सर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ये 0.5 मोल, ये कितनी है सर, ये कितनी है, ये है मेरे पास 0.5 मोल। अब ज़रा मेरी बात समझना, देखो बेटा अगर ये तुम्हारे पास 0.5 टूट रहा है, इसमें बेटा एन ए भी है और ओ एच भी है, और ये सर ये टूट रहा है तुम्हारे पास किसमें, एन ए पॉजिटिव में और ओ एच नेगेटिव में, एन ए पॉजिटिव में और ओ एच नेगेटिव में, तो बेटा एन ए कितना, एन ए कितना होगा 0.5 एन ए आ गया प्लस ओ एच भी कितना आ जाएगा 0.5। बेटा जब ये हो जाएगा रिएक्शन तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ज़ीरो और बना देगा 0.5 ये 0.5 ये, सही है आया। अब सर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ओ एच नेगेटिव आई की कॉन्सेंट्रेशन आ गई कितनी है सर 0.5। ओ एच नेगेटिव आई की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई सर मेरे पास 0.5, सही है आ रहे सर जी, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं पूछ लेना समझा दूंगा भाई। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अब सर इसको ज़रा आगे सॉल्व कर लेते हैं, अब सर ज़रा इसको क्या कर लें आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई अब सर मुझे क्या निकालना है, सवाल है मुझे निकालना है इसमें पीएच, मुझे ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पता है जी सर, पता है मुझे, तुम क्या लगाओगे पी ओ एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन, कितना ओ एच नेगेटिव आइन, तो ये जो मेरे पास ओ एच नेगेटिव आइन आया है ये है 0.5, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा सर 0.5 लिख दूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 0.5 लिख दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालूंगा। मैं क्या करूंगा भाई कैलकुलेटर मेरे बेटा लगाओ नेगेटिव लॉग ऑफ 0.5, कैलकुलेटर खोलो लगाओ बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ, कैलकुलेटर बेटा साथ लेके बैठा करो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.5 ब्रैकेट क्लोज, कितना आंसर आया 0.0 पी ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई सर 0.0301। अब सर वैल्यू बहुत छोटी है बड़ी है घबराना नहीं है, कोई बात नहीं कैसी भी वैल्यू है कोई मसले की बात नहीं, हमारा आंसर क्या कहते हैं और सही आ रहा होगा। अब बच्चे पता है कि मैंने देखा भाई बहुत छोटी वैल्यू आ रही है सर, आंसर सही नहीं होगा, पता नहीं भाई क्यों सही नहीं होगा भाई, हमने सही मेथड अप्लाई किया तो सही होगा, तो भाई इस तरह के सर वाहियात ख्याल जहन में मत लेकर आना कि आंसर सही नहीं होगा क्यों सही नहीं होगा क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, भाई छोटी आ रही तो क्या हुआ। ठीक है, अब सर हमें पी एच फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा पी ओ एच प्लस पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू क्या सर जी इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 14 के पास बराबर आ जाएगा, ये आ गया 14। पी ओ एच कितनी निकाली 0.301 प्लस पी एच इज इक्वल टू 14, तो बेटा पी एच के लिए क्या करोगे उस तरफ जाके माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 0.301, तो पी एच इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा इसका आएगा क्या कहते हैं 13.669 ये आंसर आएगा इसका, नहीं 13.69 किसका आंसर आएगा, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ इसका आंसर आएगा 13.670 आंसर आएगा इसका आंसर आएगा हमारे पास 13.70। ज़रा मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा इस वजह से, हाँ ये आंसर आएगा इसका। ठीक है सर जी, तो ये मेरे पास पहला वाला सवाल हो गया, इसका सवाल आसानी से। अब सर आ जाते हैं अगले दो सवालों पर, अब आ जाते हैं सर अगले दो सवालों पर, सुनिएगा सर अगला सवाल क्या कह रहे हैं हमसे, सर अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल हमसे कह रहा है क्या, अगला सवाल हमसे कह रहा है भाई एक सोल्यूशन है H2SO4 का, एक सोल्यूशन है किस चीज़ का भैया, अभी सवाल अभी मिटा देता हूँ मैं, अभी सोल्यूशन है बेटा किसका H2SO4 का, H2SO4 मतलब क्या, एक एसिड है भैया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा सोल्यूशन ले लिया मैंने क्या ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, पी एच कितनी है, इतनी है बेटा उसकी पी एच, सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने ले लिया बेटा सोल्यूशन, और इसकी मुझे क्या पता पी एच भी पता है, क्या निकालनी है मुझे इसका एच पॉजिटिव आइन निकालना है और पी ओ एच निकालना है, बड़ी आसान सी बात है यार, एकदम 2 रुपये वाला बिल्कुल बच्चे वाला सवाल है, मुझे इसका अच्छा मेटा नीचे कर लेते हैं,
इधर हम कहाँ के लिए हैं, इसको ले आते हैं नीचे और यहाँ पे कर लेते हैं सवाल सॉल्व। चलो भाई बड़ा कर लो इसको, ज़बरदस्त ड्रॉ। देखो भाई हमारे पास पी एच गिवन है, मुझे कितनी गिवन है सर जी, सर जी पी एच मुझे कितनी गिवन है, मुझे गिवन है 1.05, ये आ गई पी एच, ज़बरदस्त। अब पी ओ एच निकालनी है, बड़ा आसान सा है भाई, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। अब बेटा क्या करोगे, वही वाली बात, 14 माइनस कितनी बेटा, पी एच कितनी है बेटा, 1.05 इज इक्वल टू पी ओ एच। बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको सॉल्व करना। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई कितना है मेरे पास, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12.95। ये क्या आ गई भाई मेरे पास, पी ओ एच आ गई, कितनी आ गई सर, 12.95। बिल्कुल आसान सी बात थी, आगे बढ़ जाओ सर जी, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ये हो गया, ये हो गया भाई। अच्छा अब क्या कह रहा था मुझसे, अब मुझसे कह रहा था ये क्या निकालूं, एस पॉजिटिव आइन। सर बड़ी आसान सी बात है, देखो बेटा फार्मूला सेम है, फार्मूला क्या है, पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एस पॉजिटिव आइन, एस पॉजिटिव आइन। बेटा पी एच कितनी है मेरे पास, पी एच है मेरे पास 1.05 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एस पॉजिटिव आइन, बेटा मुझे फाइंड करना। बेटा जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए ना, तो तुम्हें क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग। अब सर इतने खौर के बच्चे तो है नहीं, खौर के बच्चे तो है नहीं भाई, तो हम एंटी लॉग लेंगे तो सर क्या करें। बेटा अब इसका आसान सा तरीका बड़ा एक सिखा देते हैं आपको, इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका सिखा देता हूँ, सुनना। तो क्या करो बेटा, अगर तुम्हें क्या करें, एस पॉजिटिव आइन निकालना है, अगर तुम्हें एस पॉजिटिव आइन निकालना है या तुम्हें किसी भी चीज़ का वो निकालना है, एंटी लॉग निकालना, बेटा फिजिक्स में भी काम आएगा ये, फिजिक्स में भी काम आएगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का एंटी लॉग निकालना, क्या करोगे बेटा, इसको डायरेक्ट दो 10 की पावर -, में 10 की पावर -, पी एच, इसका फॉर्मूला भी है। अब ज़रा मैं तुम्हें करके भी दिखाया था, एच पॉजिटिव आइन इंटू इज इक्वल टू 10 की पावर -, कितना बेटा, 1.05। बेटा नेगेटिव का साइन लगाना मत भूलना, नेगेटिव का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं। उसने बच्चे को फिजिक्स का सवाल करवा रहा था, उसे नेगेटिव का साइन लगाना भूल गया, पूरा आंसर गलत आ रहा, मुझे परेशान कर रहा था। चलो तो कितना आंसर आएगा भाई अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, कितना आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 10.105। ये हो गया बेटा तुम्हारे पास दूसरा सवाल, सवाल भी आंसर आसान सी बात थी, आगे आ जाओ। अब ज़रा लास्ट चीज़ वापस से उसको नीचे ले आते हैं, पकड़ के वापस से उसको घसीट के नीचे ले आओ, नहीं आ रहा, सही है भाई। क्या कह रहे हैं अभी सवाल में, इस सवाल में हमसे कह रहे हैं भाई कंसंट्रेशन इतनी गिवन है मुझे, मुझे क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन इतनी इसने बताई हुई है, पीएच निकालनी है मुझे इस चीज़ की, हाइड्रोजन तो बड़ा आसान से भाई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताई हुई है मुझे, पीएच निकालनी है, बस आसान सी बात है बेटा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, मुझे निकालनी है। क्या क्या पता है मुझे इसका, ज़रा इस सवाल को करते हैं, ठीक है, ज़रा इस सवाल को हम यहाँ पर कर लेते हैं। भैया हमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास एच पॉजिटिव, हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, हमसे कह रहा है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सर कितनी है, वो है 1 × 10⁻¹। ये बेटा मेरे पास एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, इसने बताई हुई, क्या निकालना है, पी एच, क्या निकालना है, पी एच, क्या लगोगे बेटा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, कौन सा तुम क्या लगाओगे फॉर्मूला। बड़ी आसान सी बात है भाई, बचपन से सीखते हुए, अभी दो, अभी दो मिनट पहले से कहा भी दिया, पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻¹, मतलब 1 × 10⁻¹। आंसर कितना आ जाएगा बेटा पी एच का, पी एच का आंसर कितना आ जाएगा, 8। कितना आंसर आ जाएगा, 8, अभी से कहा था बेटा, कोई मसले वाली बात यहाँ तक, कोई मसले वाली बात सर यहाँ तक। ये हो गया बेटा तुम्हारे पास आखिरी सवाल भी सॉल्व, ये आ गया बेटा तुम्हारे पास क्या इसका आंसर, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी बेटा, बड़ा आसान चैप्टर है, अगर तुम लोग ये भी नहीं कर पा रहे तो भैया डूब के मर जाओ भाई, क्योंकि इतना आसान है यार, वीडियो भी बना के सिखा दिया यार तुम लोगों को, अब देख लो भाई वीडियो और दूसरों को शेयर करो बेटा, कोई समझ नहीं आ रही बेटा, याद रखो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें से कोई भी मसला हो रहा है, इंग्लिश PST कोई मसला हो रहा है बेटा, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, ठीक है, चलो भैया अल्लाह हाफिज़।